नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। निर्वाचन आयोग का अहम फैसला, 65 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को मिलेगी डाक मत पत्र की सुविधा। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत ईडी ने जब्त की नीरव मोदी की संपत्ति, बैंकिंग धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। और अब बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत निर्वाचन आयोग ने एक अहम फैसला किया है। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए डाक मत पत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की इजाज़त दे दी है। यह फैसला इन आयु वर्ग के लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने के मद्देनज़र लिया गया। आपको बता दें कि अभी तक यह विकल्प केवल दिव्यांगजनों और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ही उपलब्ध कराया गया था। पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा कुछ खास वोटर्स के लिए ही उपलब्ध है। इसमें सैन्य अधिकारी, सशस्त्र पुलिस बल, चुनावी ड्यूटी के लिए अपने राज्य से बाहर तैनात अधिकारी या उसकी पत्नी, या देश से बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी आते हैं। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग पहले ही इन लोगों की संख्या निर्धारित कर लेता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैलेट पेपर को वोटर्स तक पहुंचाया जाता है। अगर वोटर ऐसी जगह पर रह रहा हो जहां बैलेट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं पहुंचाया जा सकता, तो वहां डाक के जरिए इसे भेजा जाता है। फिर उस बैलेट को मतदाता पूरी तरह से भरकर राजपत्रित अधिकारी से वेरीफाई करवाकर वापस इस फॉर्म को पोस्ट करता है। ऐसे में मताधिकार का प्रयोग करने में भारी कठिनाइयों का सामना करने वाले अन्य समूहों को भी ऐसी छूट देने की राय सामने आ रही है। साल 2017 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में आंतरिक प्रवासी श्रमिकों की संख्या तकरीबन 13.9 करोड़ है। यह समुदाय भी मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ होता है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में कहीं से भी मतदाताओं द्वारा डिजिटल रूप से मतदान करने के लिए सक्षम बनाने को आधार लिंक्ड वोटर आईडी आधारित समाधान का परीक्षण कर रहा है। हाल ही में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की लगभग 329.66 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। आपको बता दें कि देश में पहली बार भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत किसी संपत्ति को जब्त किया गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए सीबीआई को अधिकृत किया था। गौरतलब है कि अब तक प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत नीरव मोदी की 2348 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन में गिरफ्तार होने के बाद ब्रिटेन की एक जेल में बंद है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में $2 अरब से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी पाया है। इसके तहत 5 दिसंबर 2019 में नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 की धारा 12 के दूसरे खंड और 8वें खंड के तहत इसकी संपत्ति को जब्त किया गया। आदेश जारी होने के 90 दिनों के भीतर इसकी संपत्ति को नीलामी के लिए रखा जाएगा और प्राप्त धनराशि को सरकारी अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। और अंत में चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र, जिनका सीधा सरोकार होगा आपकी परीक्षाओं से। हाल ही में चीनी क्षेत्र इनर मंगोलिया के बयाननूर शहर में स्थानीय अधिकारियों ने बुबोनिक प्लेग सामने आने के बाद एक चेतावनी जारी किया। बुबोनिक प्लेग कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका इलाज समय रहते न किया जाए तो यह बीमारी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। 14वीं शताब्दी में इसी बीमारी के कारण केवल यूरोप में तकरीबन 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। यह बीमारी लसिका पर्व पर हमला करता है, जिससे सूजन, दर्द एवं मवाद बनता है। साथ ही मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करके शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है। यह बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होने वाला एक जीवाणुकारी संक्रमण है। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर अन्य सभी भारतीय समाचार चैनलों का प्रसारण बंद करते हुए आरोप लगाया है कि भारतीय समाचार चैनल ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जिससे नेपाल की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास ने भारतीय चैनलों द्वारा नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर की जा रही कवरेज पर
अपने नज़रिए से अवगत करा दिया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत के द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं नेपाल के वित्त, सूचना एवं संचार मंत्री युवराज खातिवाड़ ने भारतीय समाचार चैनलों की निंदा करते हुए कहा कि भारतीय समाचार चैनल नेपाल के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। भारतीय मीडिया को प्रधानमंत्री ओली और उनकी सरकार के खिलाफ निराधार प्रचार को रोकना चाहिए। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा गोल्डन वर्ड विंग को दिया गया। गोल्डन वर्ड विंग का वैज्ञानिक नाम ट्रायड्स एकेसस है। इसके पंखों की लंबाई तकरीबन 194 मिलीमीटर तक होती है। तितली की यह प्रजाति गढ़वाल के उत्तर पूर्वी राज्य ताइवान और चीन में पाई जाती है। गोल्डन वर्ड विंग को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। इससे पहले भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा साल 1932 में दक्षिणी वर्ड विंग को दिया गया था, जो कॉमन वर्ड विंग की उप प्रजाति है। इसके पंखों की लंबाई 150 से 190 मिलीमीटर तक होती है। यह गोवा से केरल तक पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम ट्रायड्स माइनस है। मालदीव और श्रीलंका ने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसकी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की दक्षिण पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने किया। यह घोषणा चेचक और खसरा के उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय पुष्टिकरण आयोग की 5वीं बैठक के बाद किया गया। दोनों देशों ने दोनों बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल किया। WHO ने इन बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य साल 2023 तक निर्धारित किया था। मालदीव और श्रीलंका यह लक्ष्य हासिल करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया के पहले दो देश बन गए हैं। मालदीव में खसरा का अंतिम मामला साल 2015 में आया, जबकि श्रीलंका में चेचक का अंतिम मामला 2016 में और खसरा का अंतिम मामला साल 2017 में सामने आया था। ब्राजील द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो अगस्त के महीने में संभावित है। आपको बता दें कि 25 जनवरी 2004 को भारत और ब्राजील के बीच बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इसी समझौते के तहत इसरो ब्राजील की अंतरिक्ष एजेंसी AEB का एक माइक्रो उपग्रह लॉन्च करेगा, जिसका उपयोग वायुमंडल अध्ययन के लिए किया जाएगा। पहले तो इस उपग्रह का लॉन्च AEB के मुख्य उपग्रह प्रक्षेपण वाहन VLS-1 द्वारा साल 2018 में किया जाना था, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से इसे टाल दिया गया था। अब इसे इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV के पेलोड से लॉन्च किया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा 89 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप्स को भारतीय सैनिक तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। यह ज़्यादातर ऐप्स चाइनीज हैं। भारतीय सेना ने अपने कर्मियों के सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए अपने स्मार्टफोन से टिकटॉक, ट्रू कॉलर सहित 89 एप्लीकेशंस को हटाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई गलवान घाटी में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों और चीनी व्यवसायियों का विरोध तेजी से हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने 59 चीनी एप्लीकेशंस को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने भी सुरक्षा के लिहाज से इसी तरह का फैसला लिया है। फिलहाल आज के 8 PM न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।